नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे कि पहला तो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट को कैसे अच्छा रिजल्ट बनने के बाद छोड़ सकते हैं उसको, दूसरा कैसे अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि कैसे सर हमें भी स्टार्ट करना है, पर हमें कोई अच्छा गाइडनेस या अच्छा कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपकी दोनों चीजें कंप्लीट करेंगे, कैसे हर्बल लाइफ को अच्छा रिजल्ट बनाने के बाद छोड़ सकते हैं या आपको कैसे फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मनीष सिंह चौहान है, मैं एक वेलनेस कोच और एक जिम ट्रेनर हूं, जहां पर मैं गाइड करता हूं कैसे आप एक वर्कआउट सेशन, डाइट प्लान के थ्रू और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके एक अच्छा रिजल्ट बना पाए। और यहाँ पर कमेंट में ये चीजें आ रही थी कि क्या सर हम हर्बल लाइफ प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है, क्या हमें हर्बल लाइफ हमेशा लेना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले हर्बल लाइफ के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपने सपोज कोई रिजल्ट बनाया है ना, आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि आप अपने वेट लॉस जर्नी क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा कहीं ना कहीं आपको अच्छा फिट होना है, और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप किसका सपोर्ट लेते हो, किसी कोच का। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि सर हम अच्छे से प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो पाते, तो आप क्या करते हैं, किसी न्यूट्रिशन की सपोर्ट गाइडेंस लेते हैं या न्यूट्रिशन यूज करते हैं। तो दो चीजें लेती है सपोर्ट में। अब कोच कब तक काम आता है, जब तक आप अपनी उस चीज में एक्सपर्ट ना हो जाओ, है ना। कोच जब तक काम आता है, जैसे किसी स्टडी अपन कर रहे हैं, जैसे अपन 12th अपन टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक अपन टीचर की गाइडेंस या जब तक कोचिंग करते हैं, जब तक अपन वो टीचर के लेवल या अपन को वो चीजें सारी स्किल आ ना जाए अपन, या ज्यादा सारी स्किल सीख ना ले, जब तक अपन किसी कोच की गाइडेंस लेते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन कब तक यूज करना चाहिए, जब तक जैसे सपोज आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है, तो आप विटामिन की टेबलेट कब तक खाते हैं, जब तक आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की चीजें पूरी ना हो जाए, या आप किसी और सोर्सेस से विटामिन को पूरा ना करना, मतलब नेचुरल सोर्सेस से प्रोटीन को विटामिन को पूरा ना कर पाए। सेम प्रोटीन का भी सेम सीन है, आप प्रोटीन को लेना है, प्रोटीन को अगर अपन नेचुरल सोर्सेस से पूरा नहीं कर पा रहे, तो अपन को किससे, कोई सप्लीमेंट के थ्रू इंटेक करना पड़ता है। सेम चीजें बहुत सारी चीजें होती है, अपना ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, मल्टी विटामिन होते हैं, है ना, कार्ब्स होते हैं, सारी चीजें किससे होती है, इन्हीं तरह न्यूट्रिशन से पूरी की जाती है। अब क्या होता है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आप यूज करते हैं, एक अच्छा रिजल्ट बना लेते हैं, उसके बाद छोड़ने के लिए करना क्या होता है, आपको अपनी डाइट प्लान, जैसे मैं आपको मेरे कस्टमर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे कस्टमर क्या करते हैं, मैं जो भी मेरे साथ ज्वाइन करता है, या मैं वो कोई पूछ कोई मेरे साथ प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, या कोई मेरा वर्कआउट सेशन जो 90 डेज का प्लान है वो ज्वाइन करता है, तो वो क्या करता है, वो मेरे साथ पूछते हैं सर हम क्या हमेशा हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, क्या हमेशा हमें डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका भी होगा, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए डाइट प्लान कब तक कैसे क्या करना है, जब तक आपकी ज्यादा हेल्थ खराब है, तो आपको थोड़ा कम कार्ब्स पे रहना है ना, मतलब आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करना है। वो क्रेविंग को कंट्रोल कैसे करना है, अपने गट को हेल्दी करना है ना, अपने पेट की जो गंदगी है उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए 90 डेज पे प्लान में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 90 डेज में मैं उनको सिखाता हूँ कि आप वर्कआउट कैसे एक अच्छी आदत डाले जल्दी उठने की, जल्दी नहीं उठ पा रहे तो भी धीरे धीरे अच्छे से अपनी हैबिचुअल आदत को सुधारने की, अच्छा खाने की आदत को सुधारने की, दूसरा बॉडी में एक्सरसाइज को इंक्लूड करने की, भले आप वॉकिंग से कीजिए, रनिंग से कीजिए, या जिम में जाके कीजिए, या किसी से ऑनलाइन सेशन लीजिए, जैसे मेरे ऑनलाइन सेशन चलते हैं ना। सेम डाइट प्लान का आता है, डाइट प्लान में उनके अकॉर्डिंग कैसे वो सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट को करने लग जाए, दिन का खाना जो खा रहे हैं वही करने लग जाए, और 2 स्नैक्स मिल लेने लग जाए, और शाम के खाने को थोड़ा जल्दी कर दीजिए, ज्यादा लेट नहीं खाने, है ना, और ऑयली फूड को धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर से कट ऑफ करना, और जंक फूड को कट ऑफ करना। इस तरीके से 90 डेज प्लान देता है। अब 90 डेज प्लान के अंदर वो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट भी यूज करता है, तो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट छोड़ने की गारंटी मैं लेता हूँ उसको, क्यों, क्योंकि मैं उसकी एक अच्छी दिनचर्या, उसकी अच्छी आदत को मैं सुधार चुका होता हूँ, मेरे जितने भी कस्टमर होते हैं, फिर उनका एक अच्छा रिजल्ट बन चुका होता है, और उनका जो वेट बाउंस होने की जो आपको रहता है कि सर वापस से वेट बढ़ जाता है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वेट नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि मैं उनको अच्छे से गाइड करता हूँ, उनका अच्छे से वेट लॉस करवाने की, जैसे मैं वन टाइम उनको शेक यूज कराता हूँ, उनका पूरे दिन उनको अच्छी अच्छी मील यूज करवाता हूँ, जिनके उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि कैसे आपका वेट वापस से बाउंस बैक ना करे, मतलब वापस से बढ़े ना, है ना। अब आपको सपोज मैं आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या है, कम कैलोरीज वाला खाना है, ये सभी पता है, ये आपके कोच भी कहता होगा। अब आपको ये पता है कि हर्बल लाइफ शेक 2 टाइम यूज कर रहे हैं आप, तो आप सपोज आप क्या उसको लाइफ टाइम यूज करेंगे, कभी आप रोटी पे इस पे नहीं आएंगे क्या, कभी आप घर के खाने पे नहीं आएंगे क्या। जिस दिन आप घर के खाने पे आएंगे उस दिन क्या होगा, उस दिन कैलोरीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, वो कैलोरीज इजी कैलोरीज है यूज होने में अपनी बॉडी के अंदर, और जो आप घर का खाना है वो कैलोरीज थोड़ी क्या बॉडी को एफर्ट लगता है उसको बर्न करने में, तो एक तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, जब भी आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट को छोड़ने की कोशिश करेंगे, जब आपका बजट कम हो जाएगा, जब आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट को छोड़ेंगे, तो आपका एक तो क्या होगा, एक तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, दूसरा आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो आपका वेट पुट ऑन होगा, एकदम से स्पीड से बढ़ेगा। तो आपको करना है क्या, आपको 1 टाइम शेक यूज करना है ना,
वर्कआउट के बाद या ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग के अंदर, देन उसके बाद आपको अपनी पूरी दिन अपनी डाइट से प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना। इस तरीके से जो आप 90 डेज का प्लान करते हैं आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको लगता है कि सर आप हमें गाइड कीजिए 90 डेज प्लान के अंदर, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे हर्बलाइफ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं आप, कैसे वर्कआउट और डाइट प्लान को अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंक्लूड कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं कैसे सर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना पाए या कैसे हम हमारी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले तो आपको अपनी प्रॉब्लम को जानना है। जैसे कि प्रॉब्लम को जाने तो पहले क्या आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, दूसरा क्या आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते नहीं कर पाते वो भी बताइए, है ना। तीसरा आप क्या आपको ज्यादा क्रेविंग होती है, ज्यादा मीठा खाने की आदी होती है, ज्यादा जंक फूड खाने की इच्छा होती है। देन नेक्स्ट आता है क्या आप जल्दी नहीं उठ पाते, जो भी आपकी गंदी आदतें हैं, अगर आप एल्कोहल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये भी अब ये किसको बताना है, ये आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं या आप जिसकी निगरानी में, जैसे मेरे जितने भी कस्टमर होते हैं वो मुझे बताते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ, वो नहीं बता पाते तब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपकी गलत इसकी किसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है ना, इससे पहले भी आपने क्या वेट लॉस जर्नी का ट्राई किया था तो क्या मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से आपको वापस से वेट लॉस करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जब मैं उनसे बात करता हूँ पूछता हूँ तब उनका एक अच्छा रिजल्ट बनता है। तो आपको भी क्या करना है, इन चीज़ों को आपके कोच को बताना है। दूसरा नहीं पूछ रहा है तो उनको पूछ के बताना है, सर मेरी ये प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन क्या है। देन नेक्स्ट आता है, अब ये सब चीज़ें हो गई, अब आपको एक एक चीज़ों को सुधारना। पहला आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो जल्दी उठने का धीरे धीरे ट्राई कीजिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि शाम के खाने को थोड़ा जल्दी कर देना है और अपना जो जंक फूड है उनको और ऑयली फूड है उनको धीरे धीरे अवॉइड करते रहना है, थोड़ा खाने पीने की चीज़ों को चेंज करना है। देन नेक्स्ट आता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, जरूरी नहीं है जिम जाइए, जरूरी नहीं है किसी से ऑनलाइन सेशन लीजिए, जरूरी नहीं है बहुत सारा हार्ड एक्सरसाइज करनी है। पहला वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, वॉकिंग स्टार्ट कर रखिए, थोड़ा रनिंग से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे थोड़ा रनिंग के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। इस तरीके से जब आप करते हैं तो 100% आप 90 डेज में एक अच्छी आदत को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिजल्ट बना सकते हैं और एक अच्छे से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर आप हमें गाइड कीजिए, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। अगर आपको 90 डेज में अच्छा रिजल्ट बनाना है और आपको लगता है कि सर हमें रिजल्ट बना लिया है अब हमें हर्बललाइफ प्रोडक्ट छोड़ना है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 90 डेज बाद आपको हर्बललाइफ प्रोडक्ट छोड़ने की गारंटी भी है, आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट बना रहेगा इसकी भी गारंटी है। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप देखिए, आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इस कंडीशन में इतना अच्छा वर्कआउट कर सकता हूँ, इतना अच्छा डाइट प्लान बना के आपको दे सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्या आप रिजल्ट नहीं बना सकते हैं? अगर आपको देखना है कि सर वर्कआउट कैसा करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, वहां पर आप जाके चेक कीजिएगा मैं कैसा वर्कआउट करता हूँ, मैं कैसी एक्सरसाइज की वीडियो बनाता हूँ, वहां पर आपको लगेगा कि सर कर सकते हैं तो हम भी रिजल्ट बना सकते हैं और आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन हमारी हेल्प कर सकता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक नीचे कमेंट कीजिए जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, आपकी हेल्प कर पाऊं कि आपकी हेल्थ का इशू ये है, मैं आपको उसमें सोल्यूशन दे पाऊं। ये वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब जितने करोगे मेरे को वीडियो बनाने में वो ज्यादा मजा आया। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ये वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। जो भी मैं नई वीडियो लाऊंगा आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।